तो लोग कहने लगे भाई जेपी आ गया ये तो कांग्रेस में क्या होगा। मैंने कहा जी हमारा बड़ी हाथ बैठा है जेपी के ऊपर, तीन पीढ़ियों से हराया हुआ इस आदमी को, ये थोथा चढ़ा बाजा घना वाली बात है, बाज्य है यो, वोट बाट कौन है इसके पास, वोट तो आपने देने हैं और ये संख्या आपका प्यार आपका आशीर्वाद बता रहा है। और फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कोई कैसे भूपेंद्र हुड्डा को वोट डाल सकता, आप उनकी 10 साल की सरकार को भूल गए। 10 साल के अंदर सिवाय भूमि घोटाला के, इसको भूमि माफियों का सरगना कहा जाता था, सिवाय किसानों के साथ उनकी जमीनें हड़प के बिल्डरों को देने के अलावा, अगर 10 साल में इसने काम किया तो आप हमें बता दो। और खास तौर पे मैं आदमपुर में खड़ा हूँ, जितना भेदभाव हरियाणा के इतिहास में अगर आदमपुर के साथ भूपेंद्र हुड्डा से किया हो तो आप गवाह हो इस बात के। हर चीज में भेदभाव था, चाहे किसानों के पानी की बात थी चाहे रोजगार की बात थी, हर चीज में भेदभाव इस भूपेंद्र हुड्डा ने किया, उसको भी कोई वोट दे देगा। और ये जेपी उसका खास आदमी, साथियों हर चीजें बुला दो, हमने माननीय मनोहर लाल जी को देखना है, हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी को देखना है कि इन दोनों की वजह से आज हमारे आदमपुर हलके का और देश का कितना विकास हो रहा। आपका हमारा 56 साल का विश्वास, हमारा कैसा भी बुरे से बुरा वक्त रहा हो, कैसे भी हमारे हालात रहे हो, चाहे चौधरी भजन लाल जी के या मेरे, आपने कभी अपना प्यार का हाथ आशीर्वाद का हाथ मेरे पिताजी के सिर के ऊपर तो नहीं उठाया। 5 उपचुनाव जीतने की बात हो, 4 विपक्ष में और 5वां भव्य जीता, अभी चाहे भिवाड़ी का महाभारत थी, मतलब भयंकर से भयंकर चुनाव, हर बड़े से बड़ा धुरंधर यहां पर आके देख लिया, लेकिन आपने एक परिवार की तरह अपना चुनाव समझ के आपने हमेशा हमें आशीर्वाद दिया। और हमने भी हमेशा प्रयास किया कि आपके उस मान और सम्मान को हम ऊंचा रखें, चाहे कितनी से कितनी बड़ी कुर्बानी हमें देनी पड़ी, हमने हर वर्ष तक प्रयास किया कि आपके मान सम्मान को ऊंचा रखें। आज यही कारण है कि आज पूरे दुनिया में, खासतौर पर पूरे हिंदुस्तान में लोग आदमपुर विधानसभा की मिसाल देता है। तो साथियों आज उसी प्यार का उसी स्नेह का की वजह से मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं। कोई नाराजगी नहीं रखनी है, कोई मन में मलाल नहीं रखना है, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, आपके भाई आपने बेटे का लाज रखना, आज मैं आपके पास बीच में आया हूं अपने भाई रंजीत चौटाला जी के लिए आप सबसे आशीर्वाद लेने, किसी प्रकार के बहकावे में नहीं आना। जितने वोट मेरे बेटे भव्य को आपने दिए उससे फालतू वोट रंजीत को दोगे तो आपके भाई बेटे की लाज बचेगी लाज नहीं बचेगी, इस बात का ध्यान आपने रखना। एक भाई एक बेटा होने के नाते आपको समझा रहा हूं, आप हमारे पारिवारिक है, आप हर बात को समझते हो। आज कुछ लोग कांग्रेस की बात कर रहे थे, अभी रास्ते में हम बैठे थे जगह माननीय मनोहर लाल जी के इंतजार में, तो जगह चाय थी मेरी यहां के पास। मैं आपको मन से कहता हूं इतनी बार भव्य इनके पास गया या मैं इनके पास प्रार्थना लेके गया आदमपुर हलके के विकास के लिए, इन्होंने आंख बंद करके एक मिनट में हमारे सारे काम किए। हरियाणा का गवाह है कि सारे विधायकों से ज्यादा सबसे ज्यादा ग्रांट कहीं इन्होंने दी तो वो आदमपुर हलके के दी। साथियों धान उतारने का टाइम आया, इसलिए बहकावे में नहीं आना है, एक बढ़िया सशक्त नेता है। लोग उल्ट सुलट बकवास करते हैं किसी की बहकावे में नहीं आना। आज देश की मजबूती में आज नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 10 साल में दुनिया के नक्शे पे जो आज भारतवर्ष की मजबूती से पहुंचाया है उसकी मिसाल आज अमेरिका तक के लोग देते हैं। क्या कोई सोच सकता था कि अमेरिका का राष्ट्रपति सामने बैठा हो और जो मीटिंग की चेयर अभी दिल्ली में हिंदुस्तान में हुआ उसकी चेयर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको हेड कर रहे थे। फकर से सिर ऊपर हो गया, फकर से छाती चौड़ी हो गई कि हमारा देश विश्व गुरु बन गए कगार पे। बहुत डिटेल से आपको भव्य ने एक चीज को समझाया, इसलिए साथियों मेरी आपसे पुरजोर प्रार्थना है 9 के 9 हलके में जहां भी आपकी रिश्तेदारियां हैं, हरियाणा में जहां भी आपकी रिश्तेदारियां हैं, जहां भी जान पहचान है, एक एक आदमी को बोलो कि जिस मनोहर लाल खट्टर जी ने 9 साल में ईमानदारी से सेवा की है, हर मुख्यमंत्री पे जाने अनजाने में लांछन भ्रष्टाचार के लगे हैं, ये व्यक्ति आपके सामने बैठा है, कोई एक आदमी बता दे कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई शक की सुई भी हिली हो, ऐसे ईमानदार आदमी का आपको साथ देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री मन नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई एलिगेशन किसी ने लगाया हो आपके सामने आप गवाह इस बात के, देश को तरक्कियों तक पहुंचाने का काम मान नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए साथियों मंच पे बैठे हैं ये अफवाहों के घेरे मत आना, मान रंजीत चौटाला जी भारी वोटों से हिसार से जीतेंगे, आप मेरे साहब लिखवा के ले जाओ, ये लोग कुछ भी आपके आगे बोलते रहे। और खास तौर पे आज मैं किसान भाइयों का आज आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने मान और सम्मान रखा। कल किसी ने मुझे रंजीत जी से कोई शर्त लगावा था कि किसान कोई विरोध करने भी आएंगे,
मैंने कहा आदमपुर हल्का है, हिसार जिला है, इतना प्यार स्नेह लोगों का हमने पाया है कि हम अगर स्टेज पे होंगे तो कोई एक किसान भाई विरोध नहीं करे, क्योंकि दिल में दिल से मोहब्बत, दिल से प्यार है। उन किसान भाइयों का भी मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी बात को, हमारे मान सम्मान को रखा। अगर कोई उनकी बात है तो भाई मैं 24 घंटे हाजिर हूँ। पहले भी उनके लिए लाठियां तक हमने खाई है, हर आवाज माननीय रंजीत चौटाला जी आपके उठाएंगे पार्लियामेंट में, और जहां तक बन पाएगा माननीय मनोहर लाल जी और मैं भी उनकी हर मांग को ऊपर तक पहुंचाकर और करवाने का हम प्रयास करेंगे। एक बार पुनः, क्योंकि आप मनोहर लाल जी सुने लेट बहुत चल रहे हैं, आप इतने काम के समय में, आज दिहाड़ी पे मजदूर नहीं मिलता है फिर भी आप इतने काम के समय में इतनी भारी संख्या में यहाँ भी खड़े हो, बाहर भी खड़े हैं, पीछे भी दिख रहे थे हम लोग खड़े हैं, इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ पर पधारे, इसके लिए मैं भार व्यक्त करता हूँ। और एक भाई एक बेटा होने के नाते मन से भाई आप आदमपुर हलके में सच्ची बात करते हो, मेरे पिताजी भी कहते थे आदमपुर हलके का जो कहता है वो सच बोलता है, तुम भी सामने रहना। अगर मन से आप हमारे साथ हो और रंजीत जी को आशीर्वाद दो, दोनों हाथ खड़े करके आप अपने भाई अपने बेटे को आशीर्वाद दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक बार पुनः आपसे यही